सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, आज जानकारी मिली है कि कई मुन्ना भाई गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला इस? आज जमुई जिला में कुल 8 जगह सेंटर था सिपाही भर्ती परीक्षा का, जिसमें एक सेंटर KKM कॉलेज भी था। वहाँ पर चेकिंग के दरमियान, जो पहले हम लोग इंटर करने से पहले उसका फिस्किंग करते हैं, उसी क्रम में एक लड़का पकड़ा गया। उसके पास ब्लूटूथ पाया गया, उसका नाम था विकास कुमार, पिता उमेश प्रसाद, वो जिला नवादा के रहने वाले थे। एक ब्लूटूथ और एक डिवाइस गजट करके, इलेक्ट्रॉनिक गजट था, वो पकड़ाया। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो बताए कि हमारे दो अन्य साथी अंकित कुमार और कपिल कुमार एक कार में, कॉलेज के बाहर कार में बैठे हुए हैं। उनके पूछताछ के बाद, उनकी निशानदेही पर हम लोग वहाँ पर पुलिस बल वहाँ जाकर पूछताछ किया, तो एक हुंडई गाड़ी में सही में दो व्यक्ति मिले। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम अंकित कुमार, जो थाना मुफस्सिल जिला नवादा के ही रहने वाले थे, और एक कपिल कुमार, जिनके पिता का नाम बिमलेश यादव था, उन लोग थाना फतेहपुर जिला गया के थे, दोनों को बाहर पकड़ा गया। वो एक हुंडई गाड़ी, हुंडई भरना का कार था, उसी में पकड़े गए। उनके पास से भी बैग मिला कुछ, जिस बैग में मोबाइल था, वाकी टाकी था, एक इलेक्ट्रॉनिक गजट था। इसके अलावा संदेहास्पद कुछ विद्यार्थियों का आधार कार्ड भी मिला। इसके चलते एक अलग प्राथमिकी उनके विरुद्ध नया कानून जो है आया है, उसके अंतर्गत दर्ज की जा रही है नगर थाना जमुई में। इसी के साथ साथ एक दूसरे सेंटर, जो +2 कचहरी चौक पर हाई स्कूल है, वहाँ पर भी जब चेक किया गया तो परीक्षा के दरमियान एक लड़का, जिनका नाम सुबराज सुबराज है, पिता राम प्रताप पासवान है, वो कदाचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ पकड़े गए। उनके निशानदेही पर वो बताया कि मेरा एक साथी और है, जो संपोषित बालिका उच्च विद्यालय में परीक्षा दे रहा है शिक्षक बहाली में, उनको जब ले जाया जा रहा था पहचान कराने हेतु, तो रास्ते में किसी तरह से चकमा दे के भाग गए, जिसके लिए से अलग से एक प्राथमिकी नगर थाना जमुई में अंकित की जा रही है। सर, ये जितने मुन्ना भाई अरेस्ट हुए हैं उनपे नया कानून जो है उसके तहत कार्रवाई की बिल्कुल, है? जो तीन इस तरह से हमारे दो सेंटर पर, एक KKM कॉलेज में और एक +2 कचहरी चौक के पास जो स्कूल है, वहाँ पर एक जगह से दो गिरफ्तारियाँ, तीन गिरफ्तारियाँ हुई, एक जगह से एक गिरफ्तारियाँ हुई। कुल दो चार व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया है और सब पर नए कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर